हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एम स्टॉक से हम अपना होल्डिंग स्टेटमेंट किस तरीके से डाउनलोड करते हैं। होल्डिंग स्टेटमेंट्स हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम अपनी फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट पे भी लगा सकते हैं, वरना हम उसे देख सकते हैं कि कहां पर कितना हमें चार्जेस लगा हुआ है या क्या हमारा कंडीशन चल रही है हमारे पोर्टफोलियो स्टेटमेंट की। तो सारी चीज़ें देखने के लिए हमें अपना होल्डिंग स्टेटमेंट देखना पड़ता है, उसीलिए हम यहाँ पर आज बताने वाले हैं कि हम किस तरीके से एम स्टॉक में अपना होल्डिंग स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं। तो सिंपल, यहां पर देखो, यहां पर मैं एम स्टॉक की ऐप पर हूं, बट यहां पर हमें जो होल्डिंग स्टेटमेंट अगर देखना होता है तो हमें यहां पर कोई भी एम स्टॉक की तरफ से कोई ऐसा यहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया है जो हम अपना होल्डिंग स्टेटमेंट यहां से निकाल सकें या यहां से हम उसे होल्डिंग स्टेटमेंट को देख सकें। तो सिंपल, उसके लिए मैं आपको यहां पर स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम अपना होल्डिंग स्टेटमेंट देखेंगे या उसको हम अपने अपलोड मतलब डाउनलोड करेंगे। तो सिंपल, सबसे पहले हमें जो चलना है अपने क्रोम ब्राउजर पर चलना है। क्रोम ब्राउजर पर आने के बाद ना आपको यहाँ पर अपने एम स्टॉक जो है टाइप करके और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। तो सिंपल, आपको पहला वेबसाइट दिखेगा जीरो ब्रोकरेज अक्रॉस, यानी कि एम स्टॉक की तरफ से हमें पहला वेबसाइट देखने के लिए मिला। सिंपल, मुझे इस पर एक्सेस कर लेना है, यानी कि इसको क्लिक करना और यहाँ पर हमें जो है कुछ और फीचर देखने के लिए मिले। यानी कि यहाँ पर हमारा जो है मोबाइल नंबर हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के लिए यहाँ पर प्रोसेस बताया जा रहा है, बट हमें इसे सारी चीज़ों को यहाँ पर हमें छोड़ देना है। सिंपल, हमें नीचे स्क्रॉल करना है बिल्कुल लास्ट में और लास्ट से थोड़ा सा ऊपर चलना है हमें, और यहाँ पर हमें एक जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिखेगा, दूसरा हमें यहाँ पर help@mstock.com की एक मतलब मेल आईडी हमें यहाँ पर शो होगी। तो सिंपल, हमें मेल आईडी पर सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें दो ऑप्शन यहाँ पर शो होते हैं, आउटलुक एंड जीमेल वाला। तो सिंपल, हमें जीमेल पे हमें जस्ट नाउ पे क्लिक कर देना है, जस्ट वन पे सॉरी। उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यानी कि इनको हमें पहले जो है स्टेटमेंट इनसे हमें लेना होगा। हमें यहाँ पर एम स्टॉक की तरफ से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया ऐप के अंदर, बट यहाँ पर हमें अपना स्टेटमेंट लेने के लिए जो है इनको हमें पर्सनली एक मेल करना होगा। वो मेल में हमें क्या टाइप करना, सिंपल यहाँ पर हमें टाइप कर देना माई होल्डिंग स्टेटमेंट। सो सिंपल, यहाँ पर आपको माई होल्डिंग स्टेटमेंट लिखने के बाद में सिंपल इनको सेंड कर देना। सेंड करने के आप लगभग 24 घंटे के बाद, यानी कि 24 घंटे के बाद आपको ये एक मेल का रिप्लाई देंगे। उस रिप्लाई में आपका स्टेटमेंट आप इजिली दिया जाएगा। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, आप अपने स्टेटमेंट को यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं देते हैं ये लोग। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ उसको आप देख सकते हैं, अपना उसमें चार्जेस देख सकते हैं, आप अपनी उसकी कंडीशन देखते हैं किस कंडीशन में मैंने बाय किया था, कहाँ पर क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपको स्टेटमेंट में यहाँ पर बखूबी देखने के मिलेगी, बट उसको डाउनलोड नहीं करना। अब बात सवाल ये आता है कि हम जब उसको डाउनलोड नहीं कर सकते तो हम किस तरीके से अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट एक्टिवेट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए आपको करना होगा एक काम। यहां से जब आप भी अपनी किसी भी जो है शेयर में होल्डिंग करेंगे और होल्डिंग करने के बाद में अगर उसको आप जब भी आप FNO के ऑप्शन पर जाएंगे, जिस तरीके से हम FNO का ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करते हैं, बट अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला, तो मैं यहां पर डिस्कस में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जहां से जाकर देख सकते हैं किस तरीके से हम एम स्टॉक का अपना जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट एक्टिवेट करते हैं। तो वहां पर आपको एक जो है जब आप होल्डिंग स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे वहां से आपको एक ऑलरेडी ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करने अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका पहले से जो है इसमें होल्डिंग बनाए रखी है। तो ये वाला जो मेल है हमें सिर्फ माई होल्डिंग स्टेटमेंट, ये हमें सिंपल यहां पर क्लिक करने के बाद में ऊपर साइड में और हमें यहां पर सेंड पर क्लिक कर देना। जब आप सेंड पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर 24 घंटे के बाद आपको आपका स्टेटमेंट आपके मेल के थ्रू आपको यहां पर ये एम स्टॉक वालों की तरफ से आपको मिल जाएगा। सिर्फ उसको आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, बट उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम आपको ये तो समझ आया होगा किस तरीके से हम अपना होल्डिंग स्टेटमेंट मंगाते हैं एम स्टॉक वालों से। फिलहाल वहां पर ऑप्शन तो नहीं है, बट यही तरीके में से हम अपना होल्डिंग स्टेटमेंट देख सकते हैं या मंगा सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस वीडियो में कुछ समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप इजिली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल चलता हूं, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।